हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर टॉप क्लासेस वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग वेयर वी हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो चैप्टर वन ऑफ क्लास 12th सॉलिड स्टेट। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द इंटेक्स्ट एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर सॉलिड स्टेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का बच्चों, Why are solids rigid? Solids rigid क्यों होते हैं, कैसे, हम कौन कौन सी ऐसी properties है जिनके basis पर हम ये बता सकते हैं, ये prove कर सकते हैं कि solid जो हैं वो rigid होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझाया गया था कि solids, जब chapter आपको explain किया गया था उसमें आपको बताया गया था कि जो solids हैं उनके जो particles होते हैं, जैसे कि आपने junior या primary classes में भी पढ़ा हुआ है कि solids एक ऐसी कंपाउंड्स होते हैं जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब उनके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, काफ़ी क्लोजली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट होंगे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, मींस जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के वो एक अपनी पोजिशन से एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पर मूव नहीं कर पाते हैं या फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स दे हैव फिक्स्ड पोजिशन। ओके, सो दे कैन नॉट बी ऑस्किलेट फ्रॉम देयर मेन पोजिशंस। ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वी कैन से दैट द सॉलिड्स आर रिजिड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम? तो सॉलिड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है? इसका भी सेम रीज़न है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दैट मीन्स उनके सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशंस हमेशा फिक्स्ड होती है। दैट मीन्स दे आर रिजिड एंड हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दोनों के आंसर सिमिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एमॉर्फस एंड क्रिस्टेलिन सॉलिड। देखिए, दो टाइप के सॉलिड आपको पढ़ाए गए थे जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया गया था कि सॉलिड्स जो हैं दो टाइप के होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टेलिन सॉलिड। ओके, अब दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? ए सॉलिड इज सेड टू बी क्रिस्टेलिन इफ़ इट्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। क्लियर, एंड ए सॉलिड इज सेड टू बी एमॉर्फस इफ देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एट द मोस्ट। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? एमॉर्फस सॉलिड वो सॉलिड्स होते हैं जिनके बीच में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। दैट मीन्स दे हैव ओनली ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वाइल इन क्रिस्टेलिन सॉलिड्स दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो क्रिस्टेलिन सॉलिड में क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का और लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही होता है प्रेजेंट केवल उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच। अब यहाँ पर जो आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टेलिन सॉलिड क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं, पॉलीथीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, तो इनमें से कौन कौन से एमॉर्फस सॉलिड है और कौन कौन से क्रिस्टेलिन सॉलिड है। तो क्रिस्टेलिन सॉलिड वही होते हैं जो क्रिस्टल्स टाइप में होते हैं, जैसे कि नेफ्थलीन हो गया, बेंजोइक एसिड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कॉपर है, ये सभी हमारे क्या हो गए, क्रिस्टेलिन सॉलिड हो गए, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में लॉन्ग रेंज ऑर्डर के साथ साथ शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड है वो बाकी रिमेनिंग पार्टिकल्स जो होंगे, पॉलीयूरेथीन, टेफ्लॉन, सेलोफोन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास, ये सभी क्या हो गए हमारे, ये हो गए एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स। ठीक है, तो कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टेलिन सॉलिड को, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है एमॉर्फस सॉलिड की और कौन सी प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टेलिन सॉलिड की, तब तक आप उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज़ ग्लास्ड कंसीडर्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। जो ग्लास होता है, कांच होता है, उसको हम सॉलिड ना बोलकर क्या बोल सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? देखिए, उसका रीज़न है क्योंकि ग्लास एक एमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल है। ग्लास क्रिस्टलिन सॉलिड नहीं है, वो एक एमरफस सॉलिड है। और इसके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, लाइक लिक्विड्स इट हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लो थो वेरी स्लोली। इसके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, मतलब बहने की टेंडेंसी होती है। भले ही वो धीमी स्पीड से बहता हो, बट उसके पास फ्लो की टेंडेंसी होती है। द प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट इज़ दैट द ग्लास पेंट्स इन द विंडोज़ और डोर्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर। जो आपने पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके विंडोज़ और डोर्स के जो ग्लास होते हैं, वो आप देखते हैं कि नीचे के साइड में थोड़े से थिकर होते हैं, डेंस होते हैं, नीचे की तरफ मोटे होते हैं। उसका रीज़न यही है कि क्योंकि ग्लास के पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, दैट मीन्स वो बह सकता है, और बह कर उसकी टेंडेंसी नीचे की तरफ ज़्यादा होती है, इसीलिए वो नीचे की तरफ बॉटम पोर्शन पर स्लाइटली थिकर होता है। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज़ ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, एक सॉलिड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू सभी डायरेक्शन में सेम है, आपको उस सॉलिड का नेचर बताना है, वो किस नेचर का होगा और क्या वो क्लीवेज की प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सभी डायरेक्शन में सेम होती है, ऐसा क्वेश्चन में आपसे बताया गया है कि ये किस टाइप का सॉलिड है कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम है, दैट मीन्स इट इज़ आइसोट्रॉपिक। और जो आइसोट्रॉपिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एमरफस होते हैं। बीइंग एन एमरफस सॉलिड इट वुड नॉट शो ए क्लीन क्लीवेज। अब एमरफस सॉलिड क्या होते हैं, जब हम उन्हें कट करते हैं नाइफ की हेल्प से, तो अलग अलग पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक क्लीन क्लीवेज यानी कि शार्प पॉइंट नहीं होता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, वो उनका जो है पार्टिकल्स जो हैं सेपरेट हो जाते हैं, क्लीन क्लीवेज नहीं होता है। ठीक है, इंस्टेड इट वुड ब्रेक इंटू पीसीज विद रेगुलर सर्फेसिस। ठीक है, ये छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है इरेगुलर सर्फेसिस के, क्लीन क्लीवेज नहीं होता है उसका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑपरेटिंग इन दैम। तो कुछ क्वेश्चन पार्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पर हमें, उसमें से आपको इनको सेपरेट करना है कि कौन से आपका आयनिक सॉलिड है, कौन सा मेटेलिक सॉलिड है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो जैसे कि पोटेशियम सल्फेट है, K2SO4 बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4। तो K2SO4 को जब कन्वर्ट करते हैं तो ये आयंस में कन्वर्ट होता है, के पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव में। दैट मीन्स क्योंकि ये आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज़ ए आयनिक सॉलिड। ओके, टिन क्योंकि एक मेटल होती है टिन, तो ये मेटेलिक सॉलिड का एग्जाम्पल होगा। बेंजीन, बेंजीन में नॉन पॉलर सॉलिड होगा या बोल सकते हैं मोलिकुलर सॉलिड होगा। यूरिया एक पॉलर मोलिकुलर सॉलिड होगा। अमोनिया भी पॉलर मोलिकुलर सॉलिड होगा। वाटर, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड हो जाएगा। जिंक सल्फाइड ZnS को बोलते हैं, जिंक सल्फाइड कन्वर्ट होगा Zn डबल पॉजिटिव और SOS डबल निगेटिव में, इसीलिए ये हो जाएगा आयनिक सॉलिड क्योंकि आयंस बन रहे हैं। ग्रेफाइट क्योंकि कार्बन है और कार्बन में कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, इसीलिए ये कोवेलेंट सॉलिड होगा या फिर इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोल सकते हैं। रुबीडियम एक मेटल होती है, इसीलिए ये एक मेटेलिक सॉलिड होगा। और आर्गन, आर्गन क्योंकि ये क्या हो जाएगी, नोबल गैसेस हो जाएगी और नोबल गैसेस किसी के साथ पोलैरिटी शो नहीं करती है, दैट मीन्स ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। ओके, तो इस तरीके से इनको पार्टिसिपेट कर लिया। यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड और है SiC, सिलिकॉन कार्बन ग्रुप का कंपाउंड है, कार्बन ग्रुप के जितने भी कंपाउंड हैं वो सभी क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड इसको बोल सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, सॉलिड ए इज़ ए वेरी हार्ड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन सॉलिड
एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर. एक सॉलिड है वो एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की फॉर्म में वर्क करता है जब वो सॉलिड स्टेट में है और साथ ही मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है. और जब भी वो मेल्ट होता है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, तो आपको बताना है कि सॉलिड किस टाइप का होगा. तो ये सॉलिड होगा हमारा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिन्हें तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए इनका क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो जाएगा. हाई टेम्परेचर पर ये क्या होंगे, मेल्ट होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट. देखिए आयनिक जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं वो आयनिक स्टेट में या मॉल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं, एक्वस स्टेट में या मॉल्टन स्टेट में. उसका रीज़न क्या है कि जब ये एक्वस स्टेट और मॉल्टन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं तो आयन्स सेपरेट हो जाते हैं, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए हमें आयन्स की रिक्वायरमेंट होती है. और सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये आयन्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं. जब आयन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होगा. तो आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मॉल्टन स्टेट, और वी कैन से दैट इन एक्वस स्टेट, बिकॉज इन दीज स्टेट्स दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है वट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मेलेबल एंड डक्टिल. तो कौन से ऐसे कंडक्टर सॉलिड्स होते हैं जो कंडक्टिविटी शो करते, मेलेबिलिटी शो करते हैं और डक्टिलिटी. तो ऐसे कौन से होते हैं जो मेटल्स होते हैं, वही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कंडक्टिविटी की, मेलेबिलिटी की और डक्टिलिटी की. दैट मीन्स ये सॉलिड्स क्या हो जाएंगे, मेटेलिक सॉलिड्स हो जाएंगे. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ए लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट क्या होता है. अब लैटिस पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड. जितने भी लैटिस पॉइंट होते हैं कहीं पर भी, वो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को शो करते हैं, चाहे वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो या मॉलिक्यूल हो या आयन हो. ओके, नेक्स्ट है नेम द पैरामीटर दैट कैरेक्टराइज ए यूनिट सेल. यूनिट सेल के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं. तो टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें से 3 तो एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एजिस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 उसकी एजिस को रिप्रेजेंट करते हैं. सो सपोज़ हमने एजिस ले लिए यहाँ पर ए बी और सी, तो 3 डायमीटर्स तो पैरामीटर्स तो ये हो गए, और 3 हो जाएंगे एंगल्स बिटवीन द एजिस. वो एंगल हो सकता है बी सी के बीच में या ए सी के बीच में या ए बी के बीच में, अल्फा बीटा और गामा. तो 3 पैरामीटर्स हो गए एंगल्स की फॉर्म में, और 3 पैरामीटर्स हो गए उनकी एजिस डायमेंशन की फॉर्म में. तो इस तरीके से टोटल 6 पैरामीटर हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक एंड फेस सेंटर्ड एंड एन सेंटर्ड यूनिट सेल. देखिए एक टेबल आपको बनाई गई थी स्टार्टिंग में, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था सॉलिड स्टेट में थ्योरी सेक्शन में, वहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ की थी जिसमें कि हमने डिफरेंट टाइप्स की यूनिट सेल को डिस्कस किया था, हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड. तो वहाँ पर आपको पढ़ाया गया था कि हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो फर्स्ट 3 पैरामीटर्स हैं हमारे डायमेंशन वाले, ए और बी साइड इक्वल होगी बट सी इक्वल नहीं होगी उनकी, और जो एंगल्स होंगे एजिस के बीच में अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा और गामा क्या होगा 120 डिग्री. इसी तरीके से मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या होगा, ए बी और सी तीनों ही अनइक्वल होंगे और अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, बट बीटा जो है अल्फा गामा 90 डिग्री होगा बट बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है. उसी तरीके से फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको पढ़ाया गया था कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कॉर्नर के साथ साथ उनके फेसेस पर भी प्रेजेंट होंगे, फेसेस के सेंटर पर, और एंड सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर्स के साथ साथ किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ये दोनों में डिफरेंस हो जाएगा फेस सेंटर्ड में और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर बॉडी सेंटर्ड ऑफ ए क्यूबिक सेल. देखिए टोटल हमारे पास कितने एटम के प्रेजेंट में, जो एटम क्यूबिक सेल होता है उसमें 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं. तो 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होने की वजह से हर पार्टिकल का जो पार्टिसिपेशन हो जाएगा वो 1/8 होगा, ठीक है. और जो बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर में मैंने आपको बताया कि बॉडी सेंटर में जो बॉडी है हमारी यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल, उसकी सेंटर पर एक पॉइंट प्रेजेंट होगा यूनिट सेल की, तो यानी कि उसका पार्टिसिपेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा.
उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. व्हाट इज़ द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर. जो स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर है उसके टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा. अब देखिए जो स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड लेयर है उसमें मॉलिक्यूल जो है अपने फोर नेबर के पार्टिकल से अटैच होते हैं. जब एक पार्टिकल फोर नेबर पार्टिकल से अटैच हो रहा है दैट मींस उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो कोऑर्डिनेट कर पा रहा है अपने नेबर पार्टिकल से कितने पार्टिकल से कर पा रहा है वो फोर से. दैट मींस उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा. उसके बाद आ जाते हैं 15 क्वेश्चन. ए कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब HCP स्ट्रक्चर वो बना पा रहा है. टोटल नंबर वॉइड्स का पूछ रहा है कितने मोल्स में 0.5 मोल में. अब वन मोल में टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितना होता है 6.022 × 10²³. तो 0.5 मोल में कितने हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम. ठीक है तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स पूछ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स देखिए वॉइड्स दो टाइप के होते हैं टेट्रागोनल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ठीक है तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ही इक्वल होते हैं और नंबर ऑफ क्लोज पार्टिकल्स कितने हैं 3.011 × 10²³. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी इतने ही हो जाएंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे जस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के डबल. ये आपको थ्योरी सेक्शन में पढ़ाया गया था. अब हमें टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को दोनों को ऐड कर देंगे. उसके बाद आपके टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कैलकुलेट हो जाएंगे. ठीक है क्वेश्चन नंबर 16 है. यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ए कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एम एंड एन. द एलिमेंट्स एन फॉर्म CCP एंड एटम्स एम ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स. अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स मैंने आपको बताया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के जस्ट डबल होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जितने भी क्लोज पार्टिकल्स होते हैं उनके इक्वल होते हैं. तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो n के मान रहे हैं तो जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे वो जस्ट डबल हो जाएंगे 2n. ठीक है अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है एटम्स ऑफ m ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/3 निकाल लेंगे हम. टेट्राहेड्रल वॉइड्स को 2 × 1/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा. उसके बाद हम रेशो कैलकुलेट करेंगे तो 2/3:1 यानी कि 2:3 हो जाएगा. यानी कि m पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर m पार्टिकल्स हो जाएंगे 2 और n पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे 3. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा m2n3. क्लियर. उसके बाद आ जाते हैं व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिसेस हैव द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी. सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड और हेक्सागोनल. अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसीज़ के फॉर्मूले आपको प्रूफ कराए गए थे परसेंटेज में जो आपको प्रूफ कराया गया था कितने कितने होते हैं. देखिए हेक्सागोनल HCP जो HCP की पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. कितनी होती है वो 74% होती है और उसके बाद होती है बॉडी सेंटर्ड की 68% और सिंपल क्यूबिक की होती है हमारी 52.4%. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हेक्सागोनल क्लोज पैक लैटिस की जो क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है 74%. उसके बाद बॉडी सेंटर्ड की होती है 68% और फिर होती है सिंपल क्यूबिक की 52.4%. ओके उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 18. एन एलिमेंट मोलर मास उसका दिया हुआ है फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ दी हुई है ए डेंसिटी दी हुई है. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्यूबिक सेल. तो यहाँ पर हम देखेंगे मोलर मास आपको दिया हुआ है और उसको हम एम से डिनोट करेंगे. उसके बाद डेंसिटी को डी से डिनोट करेंगे और ए हो गई उसकी एज लेंथ और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पढ़ाई गई है 6.022 × 10²³ होगा ये 10³. ओके तो यहाँ पर एक रिलेशन आपको पढ़ाया गया था डी इज इक्वल्स टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए. जेड क्या है ये उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा. ठीक है तो यही हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि डी की वैल्यू हमें दी हुई है एज की वैल्यू दी हुई है ए की एन ए की वैल्यू दी हुई है एवोगैड्रो नंबर की. तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको सोल्व करेंगे सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करने के बाद तो जेड की वैल्यू 4 हो जाएगी. दैट मीन्स 4 एटम्स ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल और पर यूनिट सेल में जहाँ पर 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं उस यूनिट सेल को हम क्या बोल सकते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैक. ठीक है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो जाएगा.
नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड। कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जो बन पाता है जब हम किसी भी सॉलिड को हीट अप करते हैं। तो जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट अराइज होता है, क्योंकि वहाँ से एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल पर चला जाता है और वहाँ पर वैकेंसी का डेवलपमेंट हो जाता है। ए क्लोज क्रिस्टल इज सेड टू बी हैव वैकेंसी डिफेक्ट व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड आर वैकेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय ZNS एंड AGBR। आपको डिफेक्ट्स पढ़ाए गए थे, फ्रेंकल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट, डिफिशेंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पर ZNS जिंक सल्फाइड जो डिफेक्ट शो करता है वो कौन सा शिप डिफेक्ट शो करता है, फ्रेंकल डिफेक्ट। और सेकंड क्वेश्चन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पे मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है, सिल्वर ब्रोमाइड AGBR कौन से डिफेक्ट शो करता है। तो ये दोनों ही डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन हाउ वैकेंसी आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन सॉलिड व्हेन ए कैटायन ऑफ हायर वैलेंस इज एडिड एज एन इम्प्योरिटी इन इट। जब हम किसी भी सॉलिड में किसी कैटायन को, जिसकी वैलेंसी जो है उस सॉलिड में प्रेजेंट कैटायन की वैलेंसी से ज़्यादा होती है, उसको ऐड करते हैं एज एन इम्प्योरिटी, तो कौन सी वैकेंसी जो बन पाती है वो किस टाइप से बन पाती है। सपोज़ हमारे पास यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया NaCl, तो NaCl को जब हम डिसोसिएट करेंगे तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अब हम इसमें कोई ऐसा हायर वैलेंसी का कंपाउंड मिलाएंगे, जैसे कि हम स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड SrCl2 मिलाते हैं, तो यहाँ पर SrCl2 किस आयन को फॉर्मेशन करेगा, Sr डबल पॉजिटिव का। अब NaCl से जो बन रहा है वो Na पॉजिटिव बन रहा है और Sr पर डबल पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब इस इम्प्योरिटी को हम ऐड करेंगे तो Sr डबल पॉजिटिव दो Na पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, सेपरेट करेगा और एक Na पॉजिटिव के प्लेस पर फिक्स हो जाएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा वैकेंसी की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। इसी तरीके से वहाँ पर आयनिक सॉलिड में वैकेंसी का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पर जो डिफेक्ट बन पाएगा वो कौन सा डिफेक्ट बन पाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक सॉलिड्स विच हैव एनायनिक वैकेंसीज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप कलर, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जाम्पल। तो यही जो एग्जाम्पल हमने ऊपर पढ़ा है NaCl का और इसमें स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड हमने ऐड किया है, तो जब वहाँ पर वैकेंसी बन जाएगी Na पॉजिटिव की अब्सेंस में, तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का सेपरेशन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाएंगे क्रिस्टल में टू ऑक्यूपाई वैकेंट एनायनिक साइड्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द विजिबल लाइट एंड इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल। जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, तो वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और वहाँ पर येलो कलर सेपरेट दिखाई देगा क्रिस्टल्स का। तो इस तरीके से वो एनायनिक वैकेंसी जो है मेटल एक्सिस डिफेक्ट की वजह से कलर का डेवलपमेंट करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ए ग्रुप 14 एलिमेंट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग इट। दो टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, एन टाइप कंडक्टर्स और पी टाइप कंडक्टर्स। एन टाइप कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की एक्सिस होती है, जबकि पी टाइप कंडक्टर्स में क्वार्टर्स की एक्सिस होती है, ठीक है, होल्स की। तो यहाँ पर ग्रुप 14 के एलिमेंट को हमें कन्वर्ट करना है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट उसमें ऐड करना होगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इससे ज़्यादा ग्रुप नंबर के एलिमेंट्स में, यानी कि ग्रुप 14 एलिमेंट को कन्वर्ट करना है एन टाइप कंडक्टर में, तो वहाँ पर हम ग्रुप 15 के किसी भी कंपाउंड को ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस वुड हैव मेक बेटर मैग्नेट्स, फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में से कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बेटर मैग्नेट्स की फॉर्म में वर्क करेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वुड मेक बेटर परमानेंट मैग्नेट्स। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो एक अच्छे मैग्नेट की फॉर्म में वर्क करते हैं, क्योंकि जब हम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें से इन मैग्नेट्स को हटा भी लेते हैं तो कुछ टाइम बाद तक भी ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी को शो करते रहते हैं, क्योंकि इनमें डोमेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो डोमेन्स का फॉर्मेशन होने की वजह से ही ये सभी डोमेन्स जो इसमें बन पाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, वो एक ही डायरेक्शन में
शो करते हैं अपनी डायरेक्शन को, और एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल नहीं कर पाते हैं, बल्कि एक दूसरे से ऐड हो जाते हैं, जिससे कि उसका पार्टिकल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे इनडेप्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, डिफाइन द टर्म एमॉर्फस, गिव ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया है कि एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल एमॉर्फस सॉलिड्स को ही डिफाइन करता है। सो एमॉर्फस सॉलिड्स आर द सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑफ इरेगुलर शेप्स एंड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि एमॉर्फस सॉलिड्स में केवल और केवल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है, और जिसकी वजह से इनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। दैट मीन्स दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते हैं। एक जैसे सपोज़ कोई एग्जांपल है हम लेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, सपोज़ वो 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो रहा है, तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, वो 90 से लेकर 96 तक चला जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होगा जिस पर वो मेल्ट होगा, तो इसको हम बोलते हैं मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए हम एमॉर्फस सॉलिड को कभी कभी सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल लिक्विड्स भी बोलते हैं। जैसे कि ग्लास का एग्जांपल हमने पढ़ा है ऊपर क्वेश्चन में, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन एंड व्हेन वी कट ए शार्प एज टूल दे कट इनटू पीसेस विद इरेगुलर सरफेसेस। ओके, एग्जाम्पल्स ले सकते हैं यहाँ पर ग्लास, रबर, प्लास्टिक, कुछ और एग्जाम्पल्स और भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। जो ग्लास है उसको क्वार्ट से हम कैसे डिफरेंट वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। तो ग्लास में और क्वार्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। जो ग्लास है, द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेक ग्लास डिफरेंट फ्रॉम क्वार्ट्ज। जैसे कि आपको बताया गया है कि ग्लास जो है एक एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, और एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है, जबकि क्वार्ट्ज जो है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है, उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की शॉर्ट रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज ऑर्डर में भी वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमें अगर क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट करना है तो हम उसे क्या करेंगे, सबसे पहले हीट अप करेंगे हाई टेम्परेचर पर, और तब उसे एकदम रैपिडली ठंडा करेंगे, तब वो किसकी प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देगा, ग्लास या एमॉर्फस सॉलिड की। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर नेटवर्क और एमॉर्फस सॉलिड। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है इसका, आयनिक सॉलिड में, मेटेलिक सॉलिड में, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉलिड्स में। ओके, तो पहले है एग्जांपल टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है P4O10। जब हम फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 के दो मॉलिक्यूल को अटैच करते हैं तब बनता है टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड P4O10। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं इसीलिए ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल होगा। उसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपको पता है क्योंकि कार्बन से बनता है, कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, तो ये कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट में आयन्स बनेंगे, अमोनियम आयन और फॉस्फेट आयन, तो आयन्स बन रहे हैं, दैट मीन्स ये आयनिक सॉलिड का एग्जांपल होगा। ब्रास, ब्रास किसका एग्जांपल होगा, ब्रास एक मेटल होती है इसीलिए मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल होगा। सिलिकॉन कार्बाइड किसका एग्जांपल होगा, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड का, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है, सिलिकॉन प्रेजेंट है। उसके बाद रुबिडियम एक मेटल है तो ये एक मेटेलिक सॉलिड होगा। I2 में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल होगा। और LiBr में आयन्स बनेंगे तो ये आयनिक सॉलिड का एग्जांपल होगा। P4 एक मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल होगा। और Si यानी कि सिलिकॉन, एक सिलिकॉन कहा जाएगा क्योंकि सिलिकॉन कार्बन कंपाउंड से बिलोंग कर रहा है, तो कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये,
अगर आपको इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है तो आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मीनिंग होता है? तो एक पार्टिकल अपने नियरेस्ट नेबर पार्टिकल से जितने से जुड़ा होता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होगा और बॉडी सेंटर्ड में होगा 8, क्योंकि एक पार्टिकल्स क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में 12 पार्टिकल से जुड़ा होता है और एक बॉडी सेंटर्ड में वो अदर 8 पार्टिकल से अटैच होता है, इसीलिए उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12 एंड 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ़ यू नो इट्स डेंसिटी एंड डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी अननोन पार्टिकल या अननोन मेटल का एटॉमिक मास दिया हुआ हो, कैसे आप एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं? आपको डेंसिटी दी हुई हो और डायमेंशन दी हुई हो, तो एक फार्मूला आपको पढ़ाया था, D=ZM/A³। अब साथ में इसमें Na भी आप अटैच कर सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, M=DA³/Z को, और डेंसिटी, एज और एटॉमिक नंबर को अगर हम यहाँ पर नोट कर देंगे तो हमारे पास उस पार्टिकल का एटॉमिक मास कैलकुलेट आ जाएगा। जैसे कि आप फॉर्मूले में देख सकते हैं, Na, एवोगैड्रो नंबर भी यहाँ पर यूज़ किया हुआ है जो हमने ऊपर न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया था। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज़ रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी क्रिस्टल कंपाउंड की स्टेबिलिटी को हम उसके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको के बारे में आपको बताना है। कलेक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड वाटर, इथाइल एल्कोहल, डाई इथाइल ईथर एंड मेथेन फ्रॉम ए डेटा बुक। व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स। तो एक थ्योरी सेक्शन में आपको पढ़ाया गया था कि मेल्टिंग पॉइंट कब ज़्यादा हाई होता है, जब किसी भी कंपाउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ए सब्सटेंस विद हायर मेल्टिंग पॉइंट इज़ मोर स्टेबल देन ए सब्सटेंस विद लोअर मेल्टिंग पॉइंट। मतलब एक सब्सटेंस का अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सॉलिड वाटर, इथाइल एल्कोहल, डाई इथाइल ईथर और मेथेन, ये 4 कंपाउंड जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं सभी के अगर आप मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पर यू नोट किए गए हैं इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? सॉलिड वाटर का, देन इथाइल एल्कोहल, देन डाई इथाइल ईथर एंड देन मेथेन। ओके, तो इस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि सॉलिड वाटर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मेथेन में सबसे वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टर्म्स। कैसे आप इनके बीच में डिस्टिंक्शन बता सकते हैं, डिफ्रेंशिएट इनको कर सकते हैं? कौन कौन से पार्ट दिए गए हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो फिगर 1 है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को शो कर रही है, ठीक है, और फिगर 2 और फिगर 3 भी यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर जब आप थ्योरी सेक्शन यहाँ पर जो दिया गया है आपको नोट कराया गया है, ये क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी सेक्शन में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो चाहे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या यहाँ पर ये जो थ्योरी आपको दी गई है इसके हेल्प से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच फॉलोइंग लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल एंड बॉडी सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक की हम सबसे पहले बात करेंगे, तो टोटल 14
लैटिसेस होंगे, क्योंकि 8 तो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे और 6 अलग अलग सेपरेट फेसेस पर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं वहाँ पर, तो 6 पार्टिकल्स तो फेसेस पर प्रेजेंट होंगे और 8 कॉर्नर्स पर, तो ओवरऑल 14 लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। सेम इसी तरीके से फेस सेंटर्ड टेट्राकुलर में भी 14 ही लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि 8 कॉर्नर्स पर और 6 फेसेस पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बॉडी सेंटर में, तो बॉडी सेंटर में 8 तो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे सेम एज इट इज़, जैसे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक और टेट्राकोलर में प्रेजेंट है, बट बॉडी सेंटर्ड में 1 लैटिस पॉइंट जो है वो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, तो टोटल ओवरऑल 9 लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल्स। तो मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ आपको बतानी है और साथ ही डिफरेंसेस भी उसमें आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो दोनों ही जो मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल्स हैं इनके बीच में सिमिलैरिटी में सबसे पहला पॉइंट हम नोट करेंगे कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इन मेटेलिक क्रिस्टल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जबकि आयनिक क्रिस्टल्स में जो है वो अपोजिटिवली चार्ज आयन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दोनों का ही काफ़ी हाई होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल्स। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल्स। सो इन बोथ मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल्स द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल इज दैट इन मेटेलिक क्रिस्टल्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। अभी ऊपर भी आपको पढ़ाया गया है, जो मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही ये मेटेलिक क्रिस्टल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं, जबकि आयनिक क्रिस्टल्स में जो आयन्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर उन्हें मॉल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में बना दिया जाए तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो आयनिक क्रिस्टल्स में जो आयन्स प्रेजेंट होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वो इजीली एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ओके। ये हो गए हमारे डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक क्रिस्टल एंड मेटेलिक क्रिस्टल्स। सेकेंड पॉइंट है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स आर आयन्स, दीज आयन्स आर हेल्ड टुगेदर इन 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये रीज़न बताया हमने सेकेंड पॉइंट के लिए, सेकेंड पॉइंट्स में पूछा गया था आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, क्यों वो आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं और ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनमें आयन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 3-डायमेंशनल अरेंजमेंट की फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को शो करते हैं, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी की वजह से जो आयन्स होते हैं उनकी फिक्स पोजीशन होती है, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड होते हैं और ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल फॉर सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जस्ट अ मिनट, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 74% होता है, अभी मैंने आपसे डिस्कस कर रहा था कि पैकिंग इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है हेक्सागोनल की, उसके बाद आ जाता है आपका बॉडी सेंटर्ड 68% एंड फिर आता है सिंपल क्यूबिक 52.4%। तो ये जो पोर्शन है या जो डेरिवेशन है ये मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में करा दिया था, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में आपका सॉलिड स्टेट की वीडियो ऐड है, वहाँ जाकर अभी आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे क्योंकि हम इसे थ्योरी सेक्शन में कर चुके हैं।
जैसे कि सिंपल क्यूबिक के लिए मैंने आपको बताया 52.4% होती है पैकिंग इफ़िशेंसी। ये पूरा डेरिवेशन मैं आपको थ्योरी सेक्शन में पढ़ा चुका हूँ, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है, BCC में मैंने आपको पढ़ाया कितना होता है 68%। और फिर आ जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या जिसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, ये हो जाता है सबसे ज़्यादा, इसी की होती है पैकिंग इफ़िशेंसी 74%। ठीक है, तो डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप थ्योरी सेक्शन वाला पार्ट ज़रूर देखेंगे तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है पैकिंग इफ़िशेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस। FCC लैटिस की फॉर्म में होता है, सिल्वर जब कंपाउंड बनाता है क्रिस्टल की फॉर्म में तो वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक की फॉर्म में अटैच होता है। और यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर किसकी हेल्प से, एज लेंथ आपको दी गई है, डेंसिटी आपको दी गई है, तो एज लेंथ ए, डेंसिटी डी आपको दी गई है। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी FCC के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। और HCP के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, उसके बाद NA आपको पता ही है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10²³ होता है। ये सब वैल्यूज़ आपको, 4 वैल्यूज़ पता चल गई हैं। एक रिलेशन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डेंसिटी और एज पता हो, जस्ट अभी ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, तो एटॉमिक मास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, MDA³NA/Z। तो जितनी वैल्यूज़ आपको ऊपर दी गई हैं उन सभी को आप यहाँ पर पुट करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर की 107.13, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। एटॉमिक मास कितना होता है सिल्वर का, 108, तो ये भी ऑलमोस्ट इक्वल है 108 के, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ P and Q। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऊपर करा चुका हूँ, M2N3 जिसका आंसर था, तो सेम उसी तरीके से इस पार्ट को भी करेंगे आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, डेंसिटी आपको दी गई है, एटॉमिक मास दिया गया है, BCC है, तो BCC के लिए जेड की वैल्यू 2 होती है, जैसे FCC के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जेड की वैल्यू 4 होती है, उसी तरीके से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए जेड की वैल्यू हो जाती है 2। ठीक है, और सिंपल क्यूबिक के लिए होती है 1। तो ये तीनों के लिए आप याद रखेंगे, तो जेड की वैल्यू आपको पता चल गई 2, एम की वैल्यू आपको दी है, डेंसिटी आपको दी गई है। अब यहाँ पर आपसे एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कराया था, तो पहले आप क्या एज कैलकुलेट करेंगे उसकी, तो एज कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारी इस फॉर्मूले की हेल्प से जो हमने ऊपर यूज़ किया था। अब ए की वैल्यू आने के बाद आपको पता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में R और A के बीच में क्या रिलेशन होता है, R = √3/4A। तो यहाँ पर इस रिलेशन को यूज़ करके एज लेंथ हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी जो भी हमारे से क्वेश्चन में पूछी गई है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज R एंड रेडियस ऑफ द एटम इन क्लोज पैकिंग इज कैपिटल R, डेराइव ए रिलेशन बिटवीन स्मॉल एंड कैपिटल R। ये डेरिवेशन भी आपको थ्योरी सेक्शन में कराया गया था, स्मॉल R और कैपिटल R के बीच में रिलेशन। 2 क्वेश्चन कराए गए थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए भी और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए भी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच में रिलेशनशिप, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच में भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में रिलेशन को प्रूफ कराया गया था, तो वो ये रिलेशन है r = 0.414R। ठीक है, ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल के लिए। अगर टेट्राहेड्रल के लिए पूछा जाए तो वो रिलेशनशिप हो जाती है यहाँ पर r = 0.225R। ये वैल्यू चेंज होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए होती है 0.414R और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए होती है 0.225R। ठीक है, तो दोनों ही डेरिवेशन आपको थ्योरी सेक्शन में पढ़ाए गए थे डायग्रामेटिकली, आप वहाँ जाकर भी दोबारा से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू ए FCC लैटिस। FCC लैटिस मतलब जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ये आपको पढ़ाया गया है ऊपर। एज लेंथ दी हुई है, आपको मास दिया हुआ है, मॉलिकुलर मास दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी अब की बार कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला वही रहेगा, सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले में और आप डेंसिटी को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। एनालिसिस शोज दैट निकिल ऑक्साइड हैज़ द फार्मूला, निकिल ऑक्साइड का फार्मूला दिया हुआ है, NiO जो हम पढ़ते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। एनालिसिस के अकॉर्डिंग Ni 0.98 O 1.00, व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ निकिल एग्जिस्ट। अब निकिल जो है दो आयंस का फॉर्मेशन करता है, Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये जो NiO कंपाउंड बना है हमारा निकिल ऑक्साइड, इसमें कितना पार्ट आपका, कितना फ्रैक्शन जो है वो Ni2 पॉजिटिव का है और कितना आपका Ni3 पॉजिटिव का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे, रेशो जो है हमारा Ni और ऑक्सीजन के बीच में वो 0.98 और 1.00 है, तो 98:100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन तो Ni डबल नेगेटिव की फॉर्म में होगा, तो सपोज हमारे पास जो आयन्स हो जाएंगे, टोटल चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन आयन का, यानी कि O डबल नेगेटिव आयन का, वो कितना हो जाएगा 100 × −2, यानी कि −200। अब निकिल हमारा दो फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पर, Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव। तो अगर हम Ni2 पॉजिटिव वाला पार्ट X मान लेते हैं, तो Ni3 पॉजिटिव वाला पार्ट कितना हो जाएगा 98 − X, क्योंकि निकिल का पार्ट हमारे पास कितना है 98 है, ठीक है। तो दोनों का निकालेंगे, तो निकिल को Ni2 पॉजिटिव में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और Ni3 पॉजिटिव में या पार्ट में यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे हमारा ऑक्सीजन का −200, क्योंकि ओवरऑल NiO पर कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल इक्वल रखेंगे हम जीरो के। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद X की वैल्यू 94 आ जाएगी, दैट मीन्स Ni2 पॉजिटिव आयंस का जो पार्टिसिपेशन है वो 94 है, तो Ni3 पॉजिटिव का कितना हो जाएगा 98 − 94, यानी कि 4। अब रेशो निकालेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो Ni2 पॉजिटिव का कितना हो जाएगा 94/98, क्योंकि ओवरऑल 98 है हमारे पास निकिल का पार्टिसिपेशन और 100 है ऑक्सीजन का, और 93 Ni3 पॉजिटिव का कितना हो जाएगा 4/98। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, व्हाट इज ए सेमीकंडक्टर, डिस्क्राइब द टू मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड कंट्रास्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सेमीकंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कंडक्टेंस जो है वो 10^-6 से 10^4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होती है। तीन टाइप की वैल्यूज़ होती है, एक तो कंडक्टर्स होते हैं, एक इंसुलेटर होते हैं और एक होते हैं सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत अच्छे से कर पाते हैं, दैट मीन्स उनकी कंडक्टेंस काफ़ी हाई होती है। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाते हैं, और सेमीकंडक्टर्स दोनों के बीच की वैल्यू को शो करते हैं, दैट मीन्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स। तो मैंने आपको पढ़ाया था सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये पोर्शन आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा अमाउंट में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर्स, यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। जब भी हम किसी ग्रुप 14 के एलिमेंट में ग्रुप 15 के एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो वहाँ पर हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, ये हम ऊपर भी पढ़ा है हमने, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है, जैसे सिलिकॉन एटम है, ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, इसमें हम ग्रुप 15 का एलिमेंट फॉस्फोरस या आर्सेनिक कोई भी अदर एलिमेंट मिला देते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपका सेमीकंडक्टर कन्वर्ट हो जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। इसी तरीके से पी टाइप कंडक्टर में क्या होता है, पी टाइप कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है और वहाँ पर इफ़िशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन होल्स की, होल्स ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। ये इस टाइप के सेमीकंडक्टर कब बनते हैं, जब हम ग्रुप 14 के एलिमेंट में ग्रुप 13 के एलिमेंट, यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इस टाइप के एलिमेंट को हम ऐड करते हैं, तो वो ग्रुप 14 का कंपाउंड जो है वो ग्रुप 13 के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप के कंपाउंड्स में पॉजिटिव होल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो हमने अभी निकिल ऑक्साइड का
टाइप पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ा था ऊपर NIO का, उसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नॉन स्टोशियोमेट्रिक क्यूप्रक्स ऑक्साइड यानी कि Cu2O कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशो स्लाइटली लेस देन 2:1, 2:1 से थोड़ा सा कम है Cu2O में। तो Cu2O आयन को जब हम डिसोसिएट करेंगे तो O डबल निगेटिव और Cu पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो Cu पॉजिटिव में हम रिप्लेस करेंगे इसको Cu2 पॉजिटिव से। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट दिस इज सब्सटेंस इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरीके से वर्क करेगा, ऐसा आपको बताना है, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह से क्यों वर्क करेगा, क्योंकि जब हम Cu पॉजिटिव में Cu2 पॉजिटिव आयन्स को ऐड करेंगे तो वहाँ पर Cu पॉजिटिव आयन की डिफिशियंसी होगी, यानी कि नेगेटिव आयन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी। और नेगेटिव आयन्स की डिफिशियंसी होने का मतलब क्या है, वहाँ पर पॉजिटिव होल्स बनेंगे और पॉजिटिव होल्स जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पर हमारा बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज FeO, जैसे NiO वाला क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा था सेम उसी तरीके से FeO वाला है सेम, यहाँ पर हमारे से रेशो की फॉर्म में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। उसके बाद है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जर्मेनियम यानी कि GE डॉप्ड इन इंडियम, जर्मेनियम एक ग्रुप 14 का एलिमेंट है और इंडियम एक ग्रुप 13 का एलिमेंट है। जब हम ग्रुप 14 के एलिमेंट को ग्रुप 13 के एलिमेंट से डॉप करते हैं तो हमारा जो सेमीकंडक्टर बनता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, अभी आपको पढ़ाया गया था। उसके बाद है बोरोन डॉप्ड विद सिलिकॉन, सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है और बोरोन हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है। जब भी हम ग्रुप 14 के एलिमेंट को ग्रुप 15 के एलिमेंट से डॉप करते हैं तो हमारे बनते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया कि Z की वैल्यू 4 हो जाएगी। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द सेल। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया था रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ FCC एंड BCC, तो वो क्या था, A=2√2R। तो R की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो एज लेंथ हम कैलकुलेट कर पाएंगे ईजिली। उसके बाद है इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ये बैंड थ्योरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं आपको थ्योरी सेक्शन में, वहाँ से आप इसको पढ़ेंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियस एफ सेंटर, ये क्लियरली आपको थ्योरी सेक्शन में पढ़ाए गए थे। इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको शो किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पर। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन CCP स्ट्रक्चर, रेडियस दी हुई है मेटेलिक रेडियस A की वैल्यू आपसे पूछा गया है, लेंथ ऑफ द साइड एज लेंथ, तो वही FCC A=2 फॉर्मूला पढ़ाया गया है 2√2R, इसको रखेंगे आप R की वैल्यू को और इजीली आप एज लेंथ को कैलकुलेट कराएंगे, ठीक है। उसके बाद है हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 1 cm³ ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि 1 cm³ में कितना आप यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम को कैलकुलेट कर पाएंगे यूनिट सेल की। तो ओवरऑल हमारे पास जो वॉल्यूम है वन यूनिट सेल का वो 354 पिकोम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एज की क्यूब, तो एज कितनी आ गई हमारे पास 354 पिकोमीटर, इसका क्यूब निकालेंगे हम, उसको कैलकुलेट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। तो 1 cm³ में कैलकुलेट करने के लिए जो वॉल्यूम हमारा आया है वन यूनिट सेल का, उसको डिवाइड करेंगे 1 cm³ को उस वॉल्यूम से, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट हो जाएंगी जो हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला होता है एज की क्यूब, तो एज हमारी 354 आई पिकोमीटर आई है, दैट्स वाई हमने उसका क्यूब किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इन NaCl इज डोप्ड, इफ़ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ % ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज। ऊपर आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया गया था NaCl को जब हम डोप करते हैं एक्स्ट्रा पॉजिटिव कैटायंस के साथ, यानी कि SR डबल पॉजिटिव स्ट्रोंशियम क्लोराइड हम उसमें ऐड कर रहे थे, तो वहाँ उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि पूछा गया है कंसंट्रेशन आपसे पूछी गया है कैटायन वैकेंसीज की। तो NaCl को डॉप किया गया है 10⁻³ %
तो 10^-3% है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10^-5 मोल ऑफ SrCl2। अब अगर हमने इसको डोप किया है, कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस होगी, एक SR2 पॉजिटिव से एक वैकेंसी डेवलप होगी, क्योंकि SR पर डबल पॉजिटिव है और NA पर एक पॉजिटिव है, तो एक वैकेंसी डेवलप हो जाएगी। तो उस तरीके से हमारे पास 1 मोल में कितने आयंस होते हैं, 6.022 × 10^23, तो 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे 10^-5 से, तो टोटल हमारे पास जो वैकेंसी आ जाएंगी कैलकुलेट करने के बाद, वो आ जाएंगी 6.022 × 10^18। ओके, तो यानी कि 1 मोल में ऐड करने से 6.022 × 10^8 वैकेंसीज डेवलप होंगी। ओके, तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जांपल्स, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये क्वेश्चन आपको थ्योरी सेक्शन में कराया जा चुका है, थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, आप इसको लर्न करेंगे। यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली शो किया गया है किस तरीके से आप इनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ में इनके एग्जांपल्स को नोट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो थ्योरी सेक्शन था, थ्योरी सेक्शन हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले ही, और आज हमने डिस्कस किया है चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के NCERT और इंटेक्स क्वेश्चन को, तो आप इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे। इसके आंसर्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।